चलो जी 1 2 3 गो। जो शख्स इस तरह मुर्गा बन के चल ले वो समझ लेके 5 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है। इसमें क्या होता है कि आपका चले खड़े हो जाए आप ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसे कैसे मुर्गे भाग रहे हैं। आपको क्या मसला है? मुझे पोटी खुल के नहीं आती थी, आप पोटी खुल के डुल के आती है, मुझे खुल डुल के पोटी आती है। ऊपर करें भाई। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस रात में हमारे मुद्दे में के न्यूज़ के साथ और बड़े मजे की चीज हमें यहाँ देखने को मेरी है। ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब जो मरीजों के इलाज कर रहे हैं। मरीजों के इलाज किस तरह कर रहे हैं? मुर्गा बना के। जी बिल्कुल, मुर्गा बना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बड़ी अजीब और गरीब किस्म की ये बात है। और यहाँ सिर्फ आम शहरी इनमें शामिल है बल्कि बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े जॉब वाले जो है वो भी इनमें शामिल है और मुर्गा बनकर जो इलाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हम एक एक्सरसाइज करवा रहे हैं कि जिसमें मुर्गा बना के पेशेंट पीछे तो ना खड़े हो, आगे आ जाए, जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर किया जाता है। ये मुर्गा बनाना जरूरी है इन्हें? ये ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करता है। चलो जी, पहले हम मुर्गे देख ले फिर इनसे बात करते हैं। मुंह ऊपर करो। ओह क्या देसी मुर्गा है भाई आप। हेलो, हेलमेट वाला। ये कभी जिंदगी में कान नहीं पकड़े आपने, कड़ा दिए। स्टार में सेल का अफसर हूँ, PHA में। ये देखिए जी, टोपी वाला मुर्गा। यहाँ एक और मुर्गा भी है, हम निकाले कुकड़ों कुकड़ों। सही तरह आवाज निकाले कुकड़ों 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 कुकड़ों। चलो जी, बच्चे भी मुर्गे हैं। हाँ भाई, मुर्गे क्यों बने हुए हो? आंखों में नजर नहीं आता था, बड़ा अच्छा नजर आता है मुर्गा बनने से। उसमें नजर नहीं आता था, बड़ा अच्छा नजर आता है। ये एक देसी मुर्गा, पलावा मुर्गा भी है। हेलो भाई, आपको क्या मसला है? मुझे मेरी कमर में बहना थी। अच्छा, कमर में। तो आप मुर्गे बने हुए? हाँ जी, वो इलाज करवा रहे हैं डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब से इलाज करा? हाँ जी, कह रहे हैं। शादी हुई है आपकी? हाँ जी। तो बीवी मुर्गा नहीं बनाती आपको? नहीं, बीवी नहीं बनाती। तो अगर घर में बीवी से मुर्गा बनने तो अच्छा नहीं है? नहीं, बीवी क्यों बनाई है? सरेआम आगे मुर्गा बन रहे हैं। कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब से इलाज भी तो करवाना ना, कमर में बात है। आपको क्या मसला है? मुझे पोटी खुल के नहीं आती थी, आप पोटी खुल के डुल के आती है, मुझे खुल डुल के पोटी आती है, तब से मैं सही हो गया। बात है, तुम्हें क्या मसला था? लाका पुई पुई। सर आप तो माशाल्लाह, मतलब आपकी उम्र भी है, ऊपर से आप PHA के अफसर भी है, फिर आप क्यों मुर्गा बन रहे हैं? बस वो बेगम की बात दुआ लग गई मुझे। उसकी बात नहीं मानता था, इधर माननी पड़ी है, अब वो देखेगी तो खुश होएगी, तो हंसेगी भी। बेगम ने कहा जा सारी जिंदगी मुर्गा बनी रहा। और खान भाई तुम क्यों मुर्गा? हेलमेट पहन के वो किया ना पठानों वाला काम, हेलमेट पहन के मुर्गा बन गए। हाँ जी, आप मेरे मैदे का मसला था इस वजह। आपकी शक्ल से ही लग रहा है आपको मैदे का मसला था। मैं वो एक छोटी सी एक्सरसाइज बताने लगा। चले जी, लाइव डॉक्टर साहब जो है वो इलाज बता रहे हैं। ये देख, आपने थोड़ा सा चलना ही मुर्गा बन गया। ये देखने आप, ये इस तरह चलने से क्या फ़ायदा होगा? आप मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ये है कि जो शख्स इस तरह कान पकड़ के चल ले 2 मिनट, वो समझ लेंगे 5 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है। अच्छा। जो शख्स इस तरह इस पोजीशन में 2 मिनट चल ले। वाह, ये मुर्गों की रेस कराए ना एक। चलो जी इधर आओ, मुर्गों की रेस होने लगी है, इधर आओ। चलो जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि मुर्गा बन के भागने से बहुत ज्यादा तमन्नाई आती है। क्या करने लगे अब हम? ये हम इनको थोड़ा सा चलाएंगे मुर्गा बन के ना, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह चले, आपने सबने कान पकड़ ले और थोड़ा सा आगे चलना है, जितना इजीली चल सकते हैं। चलो जी, 1 2 3 गो। जो शख्स इस तरह मुर्गा बन के चल ले वो समझ लेके 5 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है। इसमें क्या होता है कि आपका चले खड़े हो जाए आप। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसे कैसे मुर्गे भाग रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताया कि अगर कोई आपका मुर्गा यहाँ ठीक नहीं होता या उसका इलाज नहीं होता तो वो पकाने के भी काम आ सकता है। नहीं, वो मुर्गे नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ आपके पास जो है बड़े बड़े अफसरान भी आते हैं, वकील भी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो सबको मुर्गा बना देते हैं। आपके सामने 17वां स्केल के ऑफिसर मौजूद हैं, PHA के। इसने ये पार्क बनाई है और PHA का मुर्गा सबसे बड़ा मुर्गा। नहीं तो बड़े बड़े अफसरान
इम्तहान जो आते हैं उनकी और आम लोगों की सबकी फीस एक ही है? नहीं, इसकी कोई फीस नहीं है। अच्छा? इस सेशन की कोई फीस नहीं है। मुर्गा बनने की कोई फीस नहीं है, हिजामा की फीस होती है हमारी। तो ये आप फिर जब मुर्गा ये बनते हैं, जैसे मुर्गा बनो, ये देखे अब इनका सही तरह नहीं है, ये पोजीशन ठीक नहीं है ना। अब ये मारे ना जरा, जो ये पोजीशन है ना, ये ऊपर होनी चाहिए थोड़ी, ये ऊपर करें, ये पोजीशन ऊपर करें भाई, नीचे आगे से नीचे करें, कानों से पकड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये एक पोजीशन है, इसके मुताबिक आपने इनके 2 से 3 मिनट पकड़ना है, ये पोजीशन है बिल्कुल। अगर ये सही ना यहाँ से हो तो फिर ये पकड़ा हुआ आपने डंडा, सही कर ले। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताया कि इसका मतलब वो बात सही थी जो हमें स्कूल में मुर्गा बनाया जाता था, वो हमारी बेहतरी के लिए बनाया जाता था? उसमें आप देखें ना, ऐसे जो स्टूडेंट होते थे, जो नलायक होते थे, जिनको सबक नहीं याद होता था, उन्हीं को ये पनिशमेंट मिलती थी। उसमें क्या होता था कि जैसे उनको पनिशमेंट मिलती थी तो वो फौरी तौर पर 5 से 7 मिनट में सबक याद हो जाता था, जो 3 से 4 घंटों में याद नहीं हो रहा होता था। मतलब मुर्गा बनना जो है वो बेसिकली अच्छी बात होती है। हाँ जी, वो देखें ना, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर लेता है। तो जो बीवी अपने खामदों को मुर्गा बनाती है, अब वो तो उनकी अपना मामला है, वो भी उनकी छाई के लिए उनको मुर्गा बनाती है। मतलब मुर्गा बनना एक अच्छी बात है। हाँ जी, जो सही तरह मुर्गा ना बने उसके लिए क्या कहिए? के लिए ये देखें ना। चले जी, आज आपको बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ दिखाई है और मुझे भी बड़े मज़ेदार से ये चीज़ लगी है कि अगर आपको किसी भी किस्म की बीमारी है, आपके जैसे उसके सर में दर्द है, बुखार है, नज़ला है, जुकाम है, मैदे का मसला है, टेंशन का मसला है, ख्वाबी का मसला है, नींद का मसला है, कोई भी परेशानी है, तो आप इस्लामिक हिजामा सेंटर आ सकते हो और यहाँ मुर्गा बन के जो है वो अपना इलाज करा सकते हैं। सिर्फ आपने चंद मिनटों के लिए 2-4 सेशन में मुर्गा बनना है और आपको सारी बीमारियों से जो निजात हासिल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये सही बात है? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, उम्मीद है आपको ये मुर्गे वाली वीडियो जो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।